84 लाख से होने के बाद हमको ये मनुष्य देह मिलता है। 84 लाख योनि यानी क्या? कुत्ता, गधा, बैल, सुअर, सांप, सरडा, पानी में के प्राणी, झाड़ों में के प्राणी, जंगलों में के छोटे बड़े सब मिला के 84 लाख प्रकार की योनिया है। इन सब में से हम लोग घूमे हैं, फटके हैं, दुख भोगे हैं, उसके बाद कहीं जाके हमको ये मनुष्य देह मिला है सिर्फ 100 साल के लिए। 84 लक्ष यानी कौन टाइम कितना जाता है? 43,20,000 साल। छोटा समय क्या 100, 200, 500 साल बोल रही हूँ क्या मैं? 43,20,000 साल तक हमने वहां पे दुख भोगे, कष्ट भोगे, उसके बाद मनुष्य देह मिला। सादा मिला था क्या? फिर ऐसे ही मिला था क्या? खाना पीना घूमना इसके लिए मिला था क्या? आवाज नहीं करना बेटा, शांति से बैठ के सुनोगे तो समझेगा। मैं सबको चॉकलेट दूंगी पर शांति से बैठना। देखिए ये 84 लाख योनि काटने के बाद हमको मनुष्य देह मिला है, तो ये मिला क्यों था? इसी देह से उस जीव को परम मोक्ष में ले जाने के लिए हमको मनुष्य देह मिला था। पर हम कर क्या रहे हैं? तेरा मेरा पैसा संसार, खाना पीना, शादी, बच्चे, इतने में हमारा पूरा 100 साल का जीवन निकल जाता है। और जब ये शरीर छूट जाता है, जब उसको लेके जाते हैं, चार लोग जो लेके जाते हैं वो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। और सत्य बोलो तो गति है। जीव को गति कब मिलती है? सत्य बोलने से। और सत्य शब्द क्या है? तो ये राम शब्द है। मैं ही नहीं बोल रही हूँ, आदि अनाधिकार से हम सब यही बोल रहे हैं। पर बोल कब रहे हैं? मरने के बाद। मरने के बाद बोलने से कुछ फायदा होगा क्या? कुछ फायदा नहीं होगा। वो तो चला वापिस 84 में, वापिस घूमेगा 43,20,000 साल तक, पछतावा और सिर्फ पछतावा। फिर कितना भी पछतावा हो मनुष्य देह मिलेगा क्या? नहीं मिलता। इसलिए हमको सोचना है, समझना है, ये जो मनुष्य देह मिला है इसमें अगर जीवित अवस्था में राम नाम लोगे तो फायदे का है। मरने के बाद कितना भी राम राम बोलो क्या फायदा? चला गया, आगे का उसका वापस चालू हो गया। इसलिए हमको सोचना है। देखिए ये मनुष्य देह मिलता कैसा है? इतना भारी, इतना हमको जो मिला है अनमोल बोलते इसको, जिसकी चाहना सभी देवी देवता करते हैं। कोई भी ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, रामायण की चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य है हमारे, हम सबको मनुष्य देह मिला है। सूरत दुर्लभ है, सूरत दुर्लभ यानी देवी देवताओं को ये मिलता नहीं। वो रात्रि दिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माय, केवल भक्ति करू संत सेवा और करा कछुनाई। हमको भारत खंड में मनुष्य तन दो। क्यों दो? क्योंकि भारत ये संतों की भूमि है, यहाँ पे संत निवसते हैं, इसलिए हमको भारत खंड में मनुष्य तन दो। हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, संत सेवा करेंगे और हमेशा के लिए उस परम मोक्ष में जहाँ पे सुख ही सुख है, ऐसे आनंद पद में, अमर लोक में हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। इसलिए हमको ये मनुष्य देह मिला था। कैसा ये मनुष्य देह हम गवा रहे हैं, तो हमको सोचना है कि ये मनुष्य देह में हमको करना क्या चाहिए। देखिए हम बाकी सब चीजों में बहुत सोचते हैं, हर चीज परख कर लेते हैं, पर जहां भक्ति की बात आती है ना तो परखते नहीं है। हमारे घर में जो चल रहा है चलने दो, नया मत बताओ। परमात्मा की भक्ति करोगे तो ही मोक्ष में जाओगे। राम नाम लो, भाग्य जगाओ। राम नाम एकमेव शक्ति है परमात्मा के मोक्ष में जाने के लिए। पर हम करते कब है? मरने के बाद। इस भक्ति को बोला है जीवित अवस्था में परम मोक्ष। परम मोक्ष में अगर जाना है तो जीवित अवस्था में राम लेना पड़ेगा तो फायदा होगा। देखिए अब आप बोलोगे राम नाम करना यानी दूसरा, हम जो करते थे वो क्या गलत था क्या? कोई निष्फल भक्ति है क्या? भक्ति कोई निष्फल नहीं है, हर भक्ति को फल है। जो भक्ति करोगे उनके लोक में जाओगे, नीच से नीच कर्म करने वाले नरक में जाएंगे, शुभ शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग में जाएंगे। वैकुंठ में जाने के लिए नव विद्या भक्ति करोगे तो विष्णु के वैकुंठ में जाओगे। ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, हठ योग करोगे तो कैलाश में जाओगे। सांख्य योग करोगे तो ब्रह्मा के सतलोक में जाओगे। शक्ति की भक्ति करेंगे तो शक्ति लोक में जाओगे। और आती और जाती सांस में सद्गुरु विधि से राम नाम लोगे तो अमर लोक महासुख के देश में जाओगे। सबके रास्ते अलग, सबके लोग अलग और सब भक्ति अलग।
हम जाते हैं सत्संग के लिए, लोग बोलते हैं सब सुनने के बाद कुछ भी करो, सब एक ही जगह जाता है। एक ही जगह जाता है क्या? फिर अलग अलग भक्ति क्यों है? अलग अलग भगवान क्यों है? जो भक्ति करोगे उन्हीं के देश में जाओगे। अभी उसमें फर्क क्या है? देखिए, अभी हम विष्णु की भक्ति अगर कर रहे हैं, विष्णु यानी सिर्फ विष्णु, सपने में भी किसी दूसरे का नाम नहीं आना चाहिए, ऐसे एक निष्ठ है कि अगर हमने विष्णु की भक्ति की तो हम विष्णु के वैकुंठ में जाएंगे। पर ऐसी भक्ति करते क्या हम? अभी गणपति आए तो हमारे घर में भी गणपति आते, मंगलवार आया कि गणपति का वार, सोमवार आया कि महादेव का वार, रविवार आया कि और कोई भगवान का वार, यानी जो दिन जो भगवान का वो भगवान हमारा। ऐसे सकट मकट भक्ति करने से कहां जाओगे? कहीं नहीं, सिर्फ 84 में जाओगे। जैसे एक पतिव्रता होती है वैसे एक पतिव्रता बनके हमको उस परमात्मा का, उस सत स्वरूप का अगर हम भक्ति करेंगे तो हम परमात्मा के मोक्ष के देश में जाएंगे, जहां से वापिस आने की रीत नहीं है। विष्णु के लोक में भी अगर आप जाते भी हो तो कितने दिन? जितने दिन पुण्य है उतने दिन वहां पे रहने मिलेगा। पुण्य खत्म, नीचे वापिस, जो अपने हमने समझ और न समझ से जो पाप किए थे वो भोगने के लिए नीचे वापिस आना ही पड़ता है। इसलिए हमको सोचना है कि मैं कौन सी भक्ति करूं, कौन सी भक्ति से मेरा जन्म मरण का फेरा मिटेगा। हमारा पहला मनुष्य देह है क्या ये? इसके पहले बहुत बार मनुष्य देह लिया है और हर बार भक्ति भी की है। जब जो भक्ति की, कभी कैलाश में जाके आए, कभी वैकुंठ में भी जाके आए, कभी स्वर्ग में भी घूम के आए, हर जगह घूम के आए, फिर भी आज यही बैठे ना, मृत्यु लोक में काल के मुख में बैठे ना। हमको इसमें से निकलना है, इसमें से निकलना है तो उस परमात्मा के अमर लोक में जाना पड़ेगा और उसके लिए उस परमात्मा का शरणा लेना पड़ेगा। हमको सोचना है, हम बाकी सब चीजों में सोचते हैं। देखिए, हम एक हदीस छोटा सा मटका लाते, मट्टी का मटका होता है पर ठोक बजा के लेते, टन टन बजा तो अच्छा है नहीं तो फूटा हुआ है। फिर उसको चार पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा तो है, फूटेगा तो नहीं, गलेगा तो नहीं, तब कहीं जाके वो मटका घर पे आता है। कपड़े लाते, फटेंगे नहीं तब तक पहनते, उसके बाद बांध के रखते है। वो भाई आए तो उसके पास से एक आधा चमचा तो मिलेगा, संभाल के रखते। पेपर आता है हर किसी के घर पे, रद्दी बना के रखते, रद्दी वाला आया तो 100-200 तो मिलेंगे। रद्दी पेपर की कीमत की, फटे कपड़ों की कीमत की, पर ये जो अनमोल मनुष्य देह मिला इसकी कीमत की क्या? जैसा है वैसा चलने दो, खा रहे पी रहे उठ रहे जी रहे संसार कर रहे, बस है ये संसार तो करना ही है। संसार लेके बैठे माँ बाप भाई बहन सबके जो भी कर्म साथ में लाए है वो धर्म पूरे करने ही है, पर उसके साथ ये जो जीव का हमने धर्म लाया है वो भी हमको पूरा करना है। मनुष्य देह में, मनुष्य देह को जंक्शन स्टेशन बोला है, यहां से हम जहां चाहे वहां जा सकते, हमको तय करना है कहां जाना है। वापिस वापिस यही घूमना है 84 के फेरों में, या हमेशा के लिए उस परम मोक्ष में आनंद पद में चले जाना है, ये हमको तय करना है। मेरा मैं ही तय करूंगी, आपका आप ही तय करोगे, आपका मैं या मेरा आप नहीं कर सकते। इसीलिए परमात्मा बार बार सद्गुरु रूप में आते हैं और हमको विनवनी करते हैं कि इस बार जो मनुष्य देह मिला है भारी मिला है, उसको गवाओ मत, उसको बिगाड़ो मत, उसका उद्धार करो। सद्गुरु बार बार आते हैं पर हम समझते नहीं। हम माया में, संसार में इतना रच मच है, इतने डूबे हैं, हमको टाइम ही नहीं है। इसलिए हमको सोचना है कि हमको करना क्या चाहिए। देखिए, इस मनुष्य देह में हमारे पीछे लगे हुए दुख, आदि यानी मन का दुख, व्याधि यानी तन का दुख, और उपाधि यानी आके पड़ने वाले दुख, इन तीन दुखों में हम दुखी रहते। मन का दुख रोज होता है हमको, हम आते हैं सब लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के भी आते हैं, पर अगर दूसरी की साड़ी अच्छी रही मेरे से ज्यादा कि मन दुखता है, मैं तो इतनी अच्छी पहन के आई थी पर मेरी उससे उसकी मेरे से अच्छी है, मन दुखता है। घर में भी ये चीजें होती है, सासू ने अगर थोड़ा जोर से बोला कि मन दुखा, पति ने थोड़ा जोर से बोला कि हमारा दिन खराब हो गया, ऐसे छोटे छोटे चीजों में दिन में 100 बार मन के दुख हम सबको होते हैं, आप में नहीं हर किसी को होता है ऐसे ये मन के दुख। उसके बाद है व्याधि, तन के दुख, तन से तो हम सभी दुखी है, जन्मते ही बच्चे को ये सुई वो सुई, ये डोस वो डोस कांच के पेटी में रखना चालू हो जाता है। बड़ा होगा जैसे जैसे ये डोस वो डोस, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है अगर कोई बीमारी आ गई तो हॉस्पिटल के चक्कर चालू ही है,
फिर लास्ट में आता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में तो पूछो ही मत, आंखों से दिखता नहीं, कानों से चले नहीं जाता। उठना है तो दो लोग चाहिए, बैठना है तो दो लोग चाहिए, ऐसी स्थिति हमारी बुढ़ापे में हो जाती है। और ये उसके बाद आते ही उपाधि। बैठ जाइए भाभी जी, सब लोग शांति से, आधा घंटे का टाइम है, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, बैठ जाइए। देखिए उसके बाद आती है उपाधि। उपाधि यानी जहां से हमारा कोई लेना देना नहीं, पर हमारे पे दुख आते। कोरोना नाम का आया था, क्या लेना देना था हमारा? कहीं चीन में किसी ने कुछ तो खाया और पूरा दुनिया बंद हो गई। हम अच्छे घर के अभी भी अच्छे हैं, जिनके दिन के रोज के काम के पैसे मिलते थे, रोज का रोज कमाना, रोज का रोज खाना, ऐसे लोगों का क्या हुआ होगा? लॉकडाउन में उन्होंने कैसे रहे होंगे, कैसे खाया होगा? जिनके घर के करते पुरुष चले गए होंगे।